क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? सिखाएगा मिस्टर इंडिया को इंग्लिश? क्या मिस्टर इंडिया कभी नहीं लौटेंगे इंडिया? क्या मिस्टर इंडिया देंगे इंग्लिश में स्पीच? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मिस्टर इंडिया की कहानी इस बार अमेरिका में दिखाई जाएगी। हमारे मिस्टर इंडिया कैसे अमेरिका में मोगैम्बो को सबक सिखाते हैं, यही तो देखने लायक होगा। इसीलिए उनका अमेरिका को जाना और अमेरिका में गुजारा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंग्लिश सीखना। मगर मिस्टर इंडिया अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे और फिर वो कैसे अमेरिका में गुजारा कर पाएंगे? इसीलिए इस चीज में उन्हें काम आएगी सीमा, जिसका रोल जानवी कपूर निभाने वाली है। सीमा का इस बार रोल होगा राइटर का, इसलिए ही वो मिस्टर इंडिया को परफेक्ट इंग्लिश सिखाने में हेल्प करेंगी। पहले जब वो मिस्टर इंडिया को ये कहानी और ये कहेंगी कि मिस्टर इंडिया पर उन्हें कहानी लिखनी है, तब मिस्टर इंडिया मानेंगे ही नहीं। लेकिन जब सीमा उन्हें कहेगी कि वो उनकी इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगी, तब मिस्टर इंडिया उन्हें अपने साथ रहने के लिए अलाउ कर देंगे। सीमा अपनी लिटरेचर की नॉलेज से उन्हें पहले इंग्लिश में कहानियाँ सुनाएगी, तो उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ अंग्रेजी में बात भी करेगी और उन्हें अमेरिकन्स की भाषा समझने में मदद भी करेगी। मिस्टर इंडिया को कोई पेपर तो क्लियर करना नहीं है, इसीलिए उन्हें आसपास की इंग्लिश समझनी होगी जरूरी। इसीलिए सीमा उन्हें काफी न्यूज चैनल्स भी देखने की सलाह देगी। इससे उन्हें पता चलेगा कि अमेरिका में क्या नया हो रहा है, तो उन्हें मोगैम्बो को ढूंढने में भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। मिस्टर इंडिया की स्पोकन इंग्लिश तो ठीक करते करते मिस्टर इंडिया को सीमा पर पूरा भरोसा हो जाएगा। अभी तक भी मिस्टर इंडिया की स्टोरी पब्लिश करने की परमिशन तो उन्हें नहीं दी है सीमा को, मगर फिर भी सीमा उसकी मदद करेगी। सीमा चाहे तो बिना पूछे ही ये कहानी अपनी किताब में लिख सकती है, मगर वो मिस्टर इंडिया की परमिशन का ही तो वेट कर रही है। इसीलिए वो मिस्टर इंडिया को ABCD से लेकर पूरी की पूरी स्पीच देना भी सिखा देगी। इससे अमेरिका में मिस्टर इंडिया का रहना आसान हो जाएगा। आखिर एक सीन में मिस्टर इंडिया को पुलिस अरेस्ट कर लेगी चोर समझकर, तब मिस्टर इंडिया फर्राटेदार इंग्लिश में स्पीच बोलकर सारे पुलिस ऑफिसर्स को डरा देंगे। एक भिखारी के जैसे दिखने वाला इंसान को इतनी बढ़िया इंग्लिश आती है, तो जाहिर सी बात है ये लीगली अमेरिका का ही सिटीजन होगा। ऐसा हम नहीं बल्कि पुलिस वाले समझेंगे। वो इसके बाद मिस्टर इंडिया को छोड़ देंगे और मिस्टर इंडिया इसके बाद सीमा को उनकी लाइफ की स्टोरी पर बुक लिखने की परमिशन भी दे देंगे। आखिर वो अपने इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट में पास होकर पुलिस की गिरफ्त से जो छूट आए हैं। सीमा को भी ये सुनकर काफी खुशी होगी कि उनका स्टूडेंट इतनी कमाल की इंग्लिश बोल रहा है, मगर सीमा को दुख भी होगा क्योंकि उसे अब वापस जो जाना होगा। मगर मिस्टर इंडिया सीमा को रोक लेंगे और उसे कहानी खत्म होने तक अपने साथ ही रुकने को बोलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? क्या मिस्टर इंडिया खुद अब अमेरिका में ही रुकेंगे? क्या मिस्टर इंडिया खुद कभी नहीं लौटेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिस्टर इंडिया को कोई शौक नहीं है अमेरिका में रुकने का। इनफैक्ट वो खुद इंडिया के दाल चावल बहुत ही मिस कर रहे होंगे, मगर क्या करें, जब तक मोगैम्बो नहीं मिल जाता और जब तक वो इस मोगैम्बो को भी सबक नहीं सिखा देते, तब तक वो अपनी इंडिया की टिकट नहीं कटवाएंगे ना। मिस्टर इंडिया इस बार पूरी की पूरी अमेरिका में ही शूट होगी, मगर मिस्टर इंडिया वही इंडियन अंदाज में दिखेंगे। वही पुराने जैकेट, वही पुराने टोपी के साथ अमेरिका की स्ट्रीट पर भटकते हुए दिखेंगे। इतना ही नहीं, सीमा भी पूरी मूवी में सूट्स में ही दिखेगी और उनका किरदार भी पूरा का पूरा हिंदुस्तानी ही दिखाया जाएगा। दोनों कैरेक्टर्स काम खत्म होते ही इंडिया के लिए निकल जाएंगे। मिस्टर इंडिया की एंडिंग इंडिया में ही शूट होगी, जहां सीमा अपनी बुक का फर्स्ट डे भी विटनेस करेगी। मिस्टर इंडिया की बुक का टाइटल भी मिस्टर इंडिया इन अमेरिका होगा, जो सिर्फ फर्स्ट पार्टी होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये प्लॉट कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जाते जाते आपको बता दें कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है प्रतिमा रतवानी ने।